पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम से हमारा पेट कनेक्ट होता है। तो अब हमारे स्ट्रेस लेवल जो है, हमारा अगर हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है तो हमें जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो है छोटी आंत से भी ये कनेक्टेड होता है। जब यहाँ से अच्छे तरह जूस निचोड़ लेगी तो उसके बाद आपका खाना दोस्तों बड़ी आंत में जाता है। यहाँ से आपका बड़ी आंत में जाते हुए यहाँ से होते अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपको कोई भी डॉक्टर, कोई भी ताकत है जो आपको ठीक नहीं कर सकती। क्योंकि दवाइयाँ जो होती है एलोपैथिक दवाइयाँ, आप जब तक खा रहे हो जब तक आपको रिलीफ देखने को मिलता है, जब आप छोड़ देते हो तो आप जब तक आपको मैंने बेसिक चीज़ें बताई है उन बेसिक चीज़ों को नहीं छोड़ने वाले हो तो UDF आपका ठीक नहीं होने वाला है। या आप ये दवाई खा लोगे तो ठीक हो जाओगे, वो दवाई खा लोगे ठीक हो जाओगे। अब आपको होम रेमेडीज़ में क्या क्या करना है, होम रेमेडीज़ में इस पे करने के लिए आपको दिन में आप नमस्कार दोस्तों, एसके हर्ब यात्रा में आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं UDF के ऊपर। UDF एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम फुल फॉर्म बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। जिस व्यक्ति को अनडाइजेस्टेड फूड आता है, म्यूकस आता है, संग्रहणी हो चुकी है, खाना ठीक से पचता नहीं है, व्यक्ति अगर खाना खाता है तो खाना उसको ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आज हम इसके बारे में दोस्तों हम पूरी वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो पूरी ध्यान से देखिएगा, वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको कुछ होम रेमेडीज़ भी आज मैं बताऊंगा जिसकी वजह से UDS जो है आपका कंट्रोल होगा और UDS आपका 100% क्योर भी हो सकता है। कुछ होम रेमेडीज़ भी दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसके साथ अगर आप मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 100% क्योर देखने को मिल सकता है। आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी प्रकार के वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहेंगे। बात करते हैं दोस्तों UDF की समस्या जिन व्यक्तियों को हो जाती है ये क्या है। UDF मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड आपकी पुटी से आता है, लैट्रिन से आता है, आप खाना खाते हैं खाना उसी प्रकार आपकी मोशन से निकल जाता है, वो होता है अनडाइजेस्टेड फूड। साथ ही साथ बहुत सारे व्यक्तियों को म्यूकस भी देखने को मिलता है, जो चिकना चिकना पदार्थ आता है तो उसको हम म्यूकस बोलते हैं। UDF के साथ साथ म्यूकस भी आता है, मतलब कि आपका आम नहीं पच रहा, आपका खाना नहीं पच रहा। तो किस वजह से ये समस्या हो रही है, अगर हम उस वजह को ही जड़ से समाप्त कर दें और कुछ होम रेमेडीज़ अप्लाई कर ले अपनी लाइफ में और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर ले तो आप 100% क्योर हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए क्या होता है कि आप जब खाना खाते हैं तो खाना आपके मुंह से होते हुए आपका जो है डाइजेस्टिव ट्रैक जो है शुरू हो जाता है। आप जब खाना खाते हैं, सबसे पहले खाना खाने वक्त आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, टीवी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके मुंह में जो लार बनती है वो लार नहीं बन पाती, क्योंकि आपका ध्यान खाने पर नहीं होता है, आपका ध्यान यहाँ टीवी पर बना होता है, सामने आपकी नज़रें होती है, खाने पर आपका स्वाद नहीं आता है, तो आपके लार नहीं बनती है जो कि हमारे खाने को पचाने में बहुत सहायता देती है। तो आपने क्या करना है, इस मोबाइल का, इस टीवी का जो है आपने सेवन बंद कर देना है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो फोकस यहीं पे आपने करना है, तो आप देखेंगे कि आपका खाना जो है लार के साथ मिक्स होगा और कम से कम 32 बार चबाना। ये आपने पहले भी सुना होगा, बहुत सारी वीडियोस में सुना होगा, खाने को 32 बार अगर आप चबाते हैं तो उसका कारण ये होता है आपकी जो लार है खाने से अच्छी तरह मिक्स हो जाती है। उसके बाद जब आप खाने को अच्छी तरह टुकड़ों में बांट लेते हैं तो आता है आपके पेट में आता है। पेट में आने के बाद यहाँ पर तरह तरह के एंजाइम पैदा होते हैं, यहाँ पे HCl होता है आपके पेट में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपके खाने को पकाने में, गलाने में काम आता है। और आपकी यहाँ पर म्यूकस की एक लेयर बनी होती है जो कि आपके पेट को सुरक्षित रखती है। जो HCl होता है वो आपके खाने को टुकड़ों में बांटता है, और टुकड़ों में बांटता है, इसको अच्छे से पकाता है, तो फिर उसके बाद खाना आपका आता है छोटी आंत में। छोटी आंत में आपका जो छोटी आंत का जो काम होता है दोस्तों, जूस जो है वो निचोड़ना होता है आपकी खाने से। जितना अगर आप देखिए, अगर आप खाना यहाँ से अच्छी तरह नहीं चबाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से प्रोसेस लंबा होता चला जाएगा, तो आपकी आंतों को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और आप पहले ही अच्छी तरह खाना चबा लेंगे तो आपकी जब छोटी आंत में खाना पहुँचेगा तो छोटी आंत जो है अच्छे से उसका जूस निचोड़ सकती है। साथ ही साथ जब यहाँ से अच्छे तरह जूस निचोड़ लेगी तो उसके बाद आपका खाना दोस्तों बड़ी आंत में जाता है। यहाँ से आपका बड़ी आंत में जाते हुए, यहाँ से होते हुए खाना जाता है। तो दोस्तों आपका पानी जो है,
अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद जो मल बचता है वो यहाँ से जाते हुए आता है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक नर्वस सिस्टम से हमारा जो कनेक्टिविटी होती है, पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम से हमारा पेट कनेक्ट होता है। तो अब हमारे स्ट्रेस लेवल जो है, हमारा अगर हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है तो हमें जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो है, छोटी आंत से भी ये कनेक्टेड होता है, आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम आपका प्रॉपर तरीके से इसके साथ कनेक्ट होता है, आपकी आंतों के साथ कनेक्ट होता है। जब आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो खाना ठीक से पचता नहीं है, आपके जो एंजाइम है ठीक से, पाचन क्रिया जो आपकी ठीक से नहीं हो पाती है। या आपने सुना भी होगा बहुत सारे व्यक्ति, अगर आप टेंशन ले रहे हो तो आपको गैस बन रही है, या बहुत सारी ऐसी समस्या देखने को मिलती है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है। जब आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट ठीक होगा तो आपका खाना ठीक से यहाँ से डाइजेस्ट होते हुए पोटी के द्वार से आपका मल जो है निकल जाता है। ये तो आपका प्रोसेस होता है, सिंपल प्रोसेस है, आपने इसको फॉलो करना है। ये ख़राब कब होता है दोस्तों? ख़राब मैंने आपको बता दिया, एक तो छोटी सी वजह है आपको खाना चबा के नहीं खाना, टीवी देखना, ये सारी लाइफस्टाइल डिसीज है। खाना खाने तुरंत बाद आपने सो जाना, खाना खाने के तुरंत बाद आप सो जाना, टहलना नहीं है, रात को लेट नाइट सोना बहुत बड़ा कारण है। अगर आप खाना खाने के बाद भी उसको पचाने के बाद नहीं सोते हैं, लेट नाइट सोते हैं, तो आपका जो है डाइजेस्टिव ट्रैक जो है उस पर असर करता है, वो आपका बिगड़ जाता है, वो आपको पता नहीं लगता है, एक दिन में पता नहीं लगता, दो दिन में पता नहीं लगता, लेकिन जो रिज़ल्ट आते हैं वो धीरे धीरे आपके रिज़ल्ट बहुत ख़राब देखने को मिलते हैं, वो बाद में आपको रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, टाइम से सोइएगा और टाइम से उठिएगा, ये बहुत बड़ा नियम होता है, ये प्रकृति का एक नियम होता है, ये हमारा नियम नहीं है। आपने जानवरों को भी देखा होगा दोस्तों कि वो खाना खाने के बाद जो है शाम को आराम से तसल्ली से सो जाते हैं, और सुबह जो है वो टाइम से उठ जाते हैं, 5-6 बजे सूर्य उगने से पहले पहले उठ जाते हैं और अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो व्यक्ति क्या है आजकल उल्टा करता है, खाना रात को खाता है, दिन में खाना खाता नहीं है, दिन में जो है वो 9-10 बजे उठता है, तो पेट का फिर डाइजेस्टिव जो ट्रैक होगा वो कैसे काम करेगा? वो एक आपके सिस्टम के हिसाब से नहीं चलता है, वो प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलता है। इन नियमों को अगर आप पालन नहीं करोगे तो आपको समस्या देखने को मिलेगी। ये मैं आपको बहुत ही गहराइयों वाली बात बता रहा हूँ, UDF की समस्या को ख़त्म करने के लिए ये बेसिक चीज़ें आपको अपने जीवन में अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपको कोई भी डॉक्टर, कोई भी ताकत है जो आपको ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि दवाइयां जो होती है एलोपैथिक दवाइयां, आप जब तक खा रहे हो जब तक आपको रिलीफ देखने को मिलता है, जब आप छोड़ देते हो तो आपको रिलीफ देखने को नहीं मिलता, तुरंत आप इरिटेट हो जाते हो, पेट इरिटेट हो जाता है। और जो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हो सकता है आप कर रहे हो, कि जिसको हम IBS की समस्या से भी जानते हैं, IBS की समस्या हो जाती है। अब आपको होम रेमेडीज़ में क्या क्या करना है, होम रेमेडीज़ में इस पे करने के लिए आपको दिन में आप जीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जीरे का इस्तेमाल, जीरे की आप चाय बना के पी सकते हैं, जैसे चाय मतलब नहीं कह सकता कि काढ़ा बना के पी सकते हैं, जीरे का काढ़ा। चाय अगर मैंने बोल दी फिर आप कहेंगे चाय हमने पी लिया आपके कहने पर, चाय नहीं पीनी है, मतलब कि काढ़ा बनाकर आप जीरे का पी सकते हैं। पुदीने के पत्ते आप दिन में खा सकते हैं, शीशम के पत्ते आप खा सकते हैं, बेल आप दिन में जो है, अब गर्मियों का सीज़न आ चुका है, आप बेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक जो आंतों की मूवमेंट है वो ठीक हो जाती है। बेल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ठीक करने में, UDF को बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप केले का सेवन कर सकते हैं, आप दही केले का सेवन कर सकते हैं, इस सब गोल की भूसी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इन सब जैसे होम रेमेडीज़ में। और आप धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनार के छिलके जो है, अनार के छिलके आपने दोस्तों लेने हैं, अनार के छिलके आप 2 कप पानी ले लीजिएगा, उसको अच्छे से उबाल लीजिएगा, भाई 1 कप रह जाएगा या आधा कप रह जाए तो उसको आराम से छान कर पी लीजिएगा, उससे भी आपका जो है पेट बहुत अच्छे से काम करेगा। कहते हैं ना 1 अनार 100 बीमार, तो अनार का भी दिन में सेवन कर सकते हैं। छिलकों वाला फार्मूला भी मैंने आपको बताया है, वो भी आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आप UDF से छुटकारा पा सकते हैं। UDF कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जब तक आपको मैंने बेसिक चीज़ें बताई है, उन बेसिक चीज़ों को नहीं छोड़ने वाले हो तो UDF आपका ठीक नहीं होने वाला है। ये आप ये दवाई खा लोगे तो ठीक हो जाओगे, वो दवाई खा लोगे ठीक हो जाओगे, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। जब तक लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लाओगे आपका UDF की समस्या बनती वहीं से। और जैसा कि मैंने बताया कि दही का सेवन कर सकते हैं, दही में आप खिचड़ी का भी सेवन साथ में आप कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मैंने बहुत सारी आपको जो होम रेमेडीज़ बता दी है, इन चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं,
तो ये धीरे 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 आपकी लाइफ से चला जाता है। हाँ, हालांकि दोस्तों समय ज़रूर लग सकता है। इसके साथ आप कुछ मेडिसिंस भी आप अप्लाई कर सकते हो, आयुर्वेदिक मेडिसिंस आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बारे में अभी हम आपको नहीं बता सकते, कारण उसका ये है कि हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है, अलग अलग हिसाब से हम उसको दवाइयाँ दी जाती हैं। आयुर्वेदिक की आप सहारा ले सकते हो, किसी भी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हो। कंसल्ट करने के बाद आपको अच्छे से दवाई लेंगे, आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे, होम रेमेडीज आप अपनाएंगे, तो क्यों नहीं आप ठीक होंगे, 100% आप ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक आप नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा, साथ ही साथ उस व्यक्तियों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन व्यक्तियों को अक्सर ये प्रॉब्लम बनी रहती है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, आपका दिन शुभ हो।